स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो वर्कशीट है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की होती है। एक्सपेरिमेंट साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ हिट एंड ट्रायल करके करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया, सपोज करो मेरे हाथ में कॉइन है और ये मैंने उछाला, आप बताइए क्या आया होगा। ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा तो अभी मैं जो आया है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि क्या आया होगा, गेस करते हैं। चलो, तो इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। हर बार जब भी मैं इस कॉइन को उछालूंगा तो कुछ अलग आ सकता है, पहले वाले से इसको कुछ तात्पर्य मतलब कोई रिलेशन इसका नहीं होगा। हर बार एक इंडिपेंडेंट इवेंट आती है जो इक्वली लाइकली होती है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है जिसके अंदर पहली बार जो आया, जो दूसरी बार मैंने कॉइन उछाला, उससे पहले वाले से कोई रिलेशन नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये आपको इक्वली लाइकली का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं इस तरह की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दूसरी तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होती है कि अगर ये हुआ तो वो होगा। जैसे कि अगर आज की डेट की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। आप सिर्फ घर में बैठ के प्रिकॉशन नहीं ले सकते क्योंकि कोविड आजकल चल रहा है। तो अगर, तो इफ़ जो आ जाता है ना इफ़, तो उस केस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे कहते हैं कंडीशनल। एक कंडीशन लग गई ना। और अगर मैं उसका दूसरा रिलेशन दूँ कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, तो अगर आ गया तो प्रोबेबिलिटी, आप लेंगे या नहीं लेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लेने के जो चांसेस बढ़ेंगे वो तब बढ़ेंगे जब आप मार्क्स अच्छे लाएंगे। इसको हम ऑब्वियसली 11th क्लास में होते तो हम और डिटेल में पढ़ते। अभी हम पढ़ने वाले एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। दूसरी होती है, इसी को ही कहते हैं एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है, साइंस में बहुत ही यूज़ होता है, जिसको आप खुद करके देखते हैं। ठीक है, जिसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, आप करके देखते हैं, इसलिए उन दोनों को सेम होता है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, फेवरेबल आउटकम जो चाहिए वो ऊपर अपॉन जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो नीचे। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा हो। तो आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर बोला है जो टोटल आउटकम्स हैं वो 200 है। 200 उसने 200 बार उसने क्या करा है, कॉइन उछाला है। 3 कॉइन्स अ टॉस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 टाइम्स। तो 3 कॉइन उसने उछाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं 3 कॉइन उछालने पे होता क्या क्या है, आप खुद सोचो। 3 कॉइन उछालने पे तीनों बार हेड आ सकता है, ठीक है, या 2 बार हेड आ सकता है, ठीक है, और भी इसके चांसेस हो सकते हैं। हेड, टेल हेड, 2 बार हेड आ गया ना। दूसरा हो सकता है कि टेल हेड, हेड देखो 2-2 बार आ गए यहाँ पे, क्या 2 हेड। और क्या हो सकता है इसके अंदर, 2 टेल हो सकते हैं, सपोज करो 2 टेल ले लिया, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो ये देखिए, मैं इसको 2 टेल बोल सकता हूँ या 1 हेड बोल सकता हूँ, मैं हेड के टाइम से बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या 3 हेड आ सकते हैं। तीसरा क्या है, टेल टेल टेल, 1 टेल आ सकता है, मतलब 0 हेड। तो देखो, देखने के तरीके नज़रिए 2 होते हैं। एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हेड और टेल की। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 हेड आएंगे तो इसका मतलब मैं टेल में क्या बोल रहा हूँ, 0 टेल आएंगे। अगर मैं 2 हेड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 1 टेल आया होगा। अगर मैं 1 हेड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 2 टेल आए होंगे, और अगर 0 हेड बोल रहा हूँ तो मतलब 3 टेल आए होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल, ज़रूर इसको कॉपी करें। हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हमें यहाँ पर टेबल दे रखा है, बट ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया कैसे। तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। अगर आपके पास जब वर्कशीट आएगी आप देखना, उसने बोला है कि जब 1 हेड आया तो फ्रीक्वेंसी थी 1 हेड की 23, ठीक है, 2 हेड की थी 72, और
तीन हेड की थी 77, या 77, और ज़ीरो हेड की थी 28। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा दे रखा है, मेरे को क्वेश्चन इतना पसंद नहीं है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बस एक ही है। इफ़ द थ्री कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, और एक बार 200 बार तो उछाल लिया तो ये रिकॉर्ड करा हमने। देखो 200 बार उछाला, 200 बार उछाला तो ये रिकॉर्ड आया कि तीन बार हेड आया और 72 टाइम्स टेल आया और 23 टाइम्स सॉरी 72 टाइम्स दो हेड आए, 23 टाइम्स एक हेड आया, 28 टाइम्स जीरो हेड आया। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, तो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है टू हेड की। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टू हेड कितना है 72 अपॉन 200। देखो मैं बता दूँ ये वाला पार्ट नहीं दे रखा था, ये बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस कर देते हैं इसको, या आया 100 या आया 36, ठीक है। तो आंसर हो गया 0.36, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आपकी वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ज़ीरो टेल, ओके ज़ीरो टेल, टेबल में नहीं दे रखा था, अब आप लेकिन बता सकते हो, ये आप मुझे बताना ज़ीरो टेल क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, क्वेश्चन हेड में दे रखा है लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा टेल में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखे हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उसको देखने से अच्छे से आपको टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप ज़रूर आप पूछना। क्वेश्चन नंबर टू, सेम उन्होंने टेबल दिया है, टेबल दे रखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। देखो एक बच्चे के मार्क्स हैं, सपोज करो आपके मार्क्स अगर मैं लिखूं, तो उन्होंने टेबल दे रखा है यूटी, यूनिट टेस्ट होता है ना स्कूल में, क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट, तो उसकी परसेंटेज दे रखी है, हर एक टेस्ट में कितनी परसेंटेज आई है। तो पहले टेस्ट में उसकी परसेंटेज आ गई 69, दूसरे टेस्ट में उसकी परसेंटेज आ गई 71, तीसरे टेस्ट में उसकी आ गई 73, बहुत अच्छा पढ़ने में है बच्चा, तो चौथे में आ गई 68, उम्मीद करता हूँ आपकी भी आती होगी, और पांचवे में आ गई 74। अब वो बोल रहा है कि जब अगला टेस्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब जब अगला टेस्ट होगा, वो बोल रहा है कि 70 से ज़्यादा आए, मोर देन, ओके मोर देन 70% आए, तो कितने चांसेस हैं, चांसेस पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। देखो उसके चांसेस 70 पे जाने के तीन चांसेस, तीन बार उसके 70 से ज़्यादा आए हैं, अभी तक टेस्ट दे चुका है 5, तो 3 बाय 5 इसके चांसेस हैं, मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप बेट लगा सकते हो। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था प्रोबेबिलिटी जो होते हैं बेटिंग के लिए होता है, अगर कोई टीम आपने पिछले 5 मैच देखे उसके वो 70 से ज़्यादा स्कोर मार रहा है, तो आप अगली बार जब उसकी बैटिंग करोगे तो आप 70 से ज़्यादा की बैटिंग करना, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट होता है, इक्वली लाइकली उसे कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 70 से ज़्यादा मारेगा, लेकिन चांसेस है कि वो 70 से ज़्यादा मारेगा, चांसेस ज़्यादा। तो ये हो गए आपके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख रहे होंगे बहुत ही 2 मिनट का क्वेश्चन में ख़त्म हो गया। मैं आपसे और कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी कि वो 60 से ज़्यादा, मोर देन 60, 1 2 3 4 5, 5 बाय 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 100%, वो पूरी बैट लगा देना, इस पर तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, चांसेस पूरे हैं कि वो 60 से ज़्यादा तो बनाएगा बनाएगा। ये वर्कशीट में क्वेश्चन नहीं है, वर्कशीट में क्वेश्चन बस इतना ही था मैंने।